देखो ये काफ़ी सारी बाइकें आई हुई हैं इधर, ये तकरीबन 400-500 बाइकें हैं। और ये देखो ऐसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप लोग और सुनाओ क्या हाल चाल है, ठीक हो ना? बाकी अपना हाल चाल कमेंट में लिख दिया करो, मैं तुम लोग का इंतज़ार कर रहा होता हूँ। अच्छा, और बाकी तुम लोग का शुक्रिया, तुम लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हो और बाकी ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ाते जो 2000 तक पहुंच ही जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। और आज है तकरीबन 8 बार हो जाए शायद, हाँ 8 बार हो जाए। और उसके बाद उठ तो मैं आज जल्दी गया था, 12 बजे उठ गया था। चल झूठा। और 1 बजे फिर नमाज अदा की जोहर की, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा। और अब बज रहे हैं 2-3 बज रहे हैं और अभी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, उसके बाद का प्लान देखते हैं। और अभी ये कैट्स वगैरह भी इधर बैठी हुई थी, इन्होंने इतना तंग किया हुआ, इतने शरारती हो रहे हैं। ये देखो ये तो दो ही हैं अभी, और बाकी जो तीसरा जीजी वो गया हुआ कहीं भी, यानी सोने गया हुआ। ये देखो बाकी इनके साथ खेल के टाइम नहीं जाया करते, अपना अपने चलते हैं कोई काम वगैरह देखते हैं। चलो चलो चलो। 10 minutes later। तो यार तैयार श्यार हो गया, मैं नीचे आ गया था और उसके बाद आज फाड़ी की हैं, तो चलते हैं अपने गोदाम पे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या सामान आया हुआ है और आप लोग भी दिखाते हैं साथ में। और गोदाम का वगैरह का एड्रेस भी मैं आपको बता दूंगा, आप लोग चाहिए होगा तो वहाँ चले जाना और जाके वहाँ पे देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या सामान आया हुआ है। यार ये इधर अपने गोदाम पे पहुंच चुके हैं। और ये देखो ये काफ़ी सारी बाइकें आई हुई हैं इधर, ये सारा स्क्रैप है। और ये देखो सारा ऐसा कुछ नहीं है, तकरीबन 400-500 बाइकें हैं। और ये देखो ऐसे सारा इधर, ये सीन है सारा स्क्रैप वगैरह का। उसका तो नहीं मुझे पता वो उसका, और इसका तो मुझे पता है जितना। ये देखो जैसे ये 125 है, यामा वगैरह। और आपको अगर स्क्रैप वगैरह के लिए चाहिए होगा तो ये मिल सकता है। ये देखो ये सारा यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, ये ऐसा ऐसा ना बाइकें खोल रहे हैं क्योंकि ना वैसे बाइक वगैरह सेल नहीं होती, इनके पार्ट्स वगैरह हो जाते हैं। ये स्क्रैप है, नॉट यूजेबल है। और ये देखो सारा जैसे टंकी वगैरह, ये सारी जेन्युइन चीज़ें हैं। और ये इंजन वगैरह रखे हुए हैं और वहाँ पे सारे मडगार्ड हैं। ये देखो और वहाँ पे आगे सोकर्स हैं सारे, यानी शॉक, इंग्लिश में शॉक, वो उर्दू में शॉक कहते हैं। ये देखो ये सारे अगले पिछले, ये देखो ये सारे सिलेंसर हैं। ये देखो ये उल्टी उल्टी बाइकें पड़ी हुई हैं सारी इधर, क्योंकि ना जब ज़्यादा माल होता है ना तो बंदा किस किस चीज़ की केयर करे। और ये देखो सारे यहाँ पे टायर्स वगैरह। और मुझे भी अभी एक सिलेंसर चाहिए था, मेरे दोस्त ने मेरे से मंगवाया था और उसने कहा था कि मैंने भी वो कटवाना है, तो अब देखते हैं, मैं ढूंढता हूँ इधर, अच्छा लगा तो ले जाएंगे। ये देखो ये सारा अपना गोदाम है। ये लोकेशन है मिस्त्री शाह, और नीचे मैं नंबर डाल दूंगा, आप लोगों ने इधर आना होगा तो लोकेशन वो व्हाट्सएप वगैरह पे मंगवा लेना। और अब चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। तो इधर हमारे पास ये इंजन वगैरह भी अवेलेबल है, ये देख सकते हो सारे 70 वगैरह, ये 125। और ये क्या लिखा हुआ है, जैक्समोको, पता नहीं जो भी लिखा हुआ है। और ये देखो पूरे इंजन भी हैं और हैंडल्स वगैरह सारी टैंकी, ये सीट्स वगैरह। और आगे मैंने देखा था कोई सही बाइकें भी हैं, थोड़ा सा काम वगैरह होगा तो स्टार्ट वगैरह हो जाएंगी मेरे ख्याल से, जितना मुझे लगता है। ये देखो ये बाइक्स हैं, ये है, ये देखो ये यामा,
वैसे भी जिनको शौक हो ना यामा का वो तैयार करवाते हैं। ये देखो ये 9 मॉडल है, नहीं 8 है सॉरी। और ये देखो सारी बाइकें ज़्यादातर इधर यामा है जो साबुत हैं। और ये देखो ये होंडा की 10 मॉडल है ये। और बाकी मुझे अपना एक टायर पसंद आया। और आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं हम अपने गोदाम से। और हमारे पास आई हुई हैं तकरीबन 400-500 बाइकें हैं। ये देखो ये इसमें 70 ऑल काइंड वो कंपनीज की जो बाइक्स होती हैं रोड प्रिंस वगैरह रावी वगैरह सारी इधर अवेलेबल हैं हमारे पास। तो यार यहाँ का तो रिव्यू मैंने आप लोगों को करा दिया और जो सामान चाहिए था वो ले लिया, टायर चाहिए था बस। और अब चलते हैं घर, सब्जी जान भी हो गई है और रास्ते में भी मस्जिद मिल गया तो नमाज पढ़ लेते हैं। तो यार घर पहुँच चुका हूँ और उसके बाद मुँह हाथ धो के अभी फारिग हो गया हूँ और अभी असर की नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो अजानें वहाँ पे हो रही थी। और अभी नमाज़ पढ़ते हैं फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। तो यार अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ अफ्तारी तो हमने कर ली और उसके बाद अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं आ गया हूँ। और अब चलते हैं घर और देखते हैं क्या सीन है। तो यार ऊपर में आ गया था और वो गोदाम गरीबी तो मैंने आप लोगों को करवा दिया था और उसके बाद आज के